एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला रहे हैं और इधर उनकी लाडली बहनें अपने पट्टे की मांग को लेकर सड़कों पर परेशान होती नजर आ रही है। लेकिन सीएम साहब को यहां उनकी लाडली बहनें परेशान होती नजर नहीं आ रही। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम के ग्राम बंजली स्थित सर्वे नंबर 233/2 रकबा 500 हेक्टेयर और 233/1 रकबा 2.750 हेक्टेयर और 225/1/1 रकबा 14.720 हेक्टेयर की शासकीय भूमि पर बरसों से काबिज असहाय रहवासियों को पट्टे जारी करने के नाम पर केवल दिलासा ही दी जा रही है। पट्टे की मांग में रामदेव की बस्ती नई आबादी बंजली बनाकर बस्ती के रहवासी पिछले 35 वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं। इस क्षेत्र के रहवासियों ने कुछ महीनों पहले सैलाना रोड पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया था। इसमें कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा केवल पट्टे देने का दिलासा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी पट्टे की कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्षेत्रवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पट्टे की मांग में करीब 4000 लोग शामिल हैं, जिसमें कई महिलाएं यानी कि सीएम शिवराज की लाडली बहना भी शामिल है। कई घंटों से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई शासकीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने पट्टा नहीं तो वोट नहीं के बैनर और नारे भी लगाए। रहवासी भोरालाल डाबी ने बताया कि हमारे द्वारा 21 मई को धरना दिया गया था। धरने के दौरान कलेक्टर ने आकर कहा था कि 1 से 1.5 महीने में इस क्षेत्र की आबादी घोषित कर देंगे। इसके बाद को 2 महीने हो गए, हमने कलेक्टर साहब से पूछा तो कहा गया कि कार्रवाई जारी है। डाबी ने कहा कि कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी और सरकार बदल गई तो पट्टे मिले या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए दोबारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में बैठी अनीता नीनामा ने बताया कि हम पिछले कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, पट्टे देने के नाम पर केवल दिलासा दी जाती है, पट्टे नहीं दिए गए तो फिर से धरने पर बैठे हैं। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? मामला यही है सर हमारा कि हमने पट्टे के संबंध में बैठे, हमने 21 मई को भी धरना दिया था यहाँ पे, तो उस टाइम पे कलेक्टर साहब यहाँ आए थे और उन्होंने बोला था 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हम आपको आबादी घोषित कर देंगे। उसके पश्चात भी हमने 2 से 2.5 महीनों के उस पश्चात हम कलेक्टर साहब से जाके 2-3 बार मिले और उन्होंने यही आश्वासन दिया, बोले कि हम प्रक्रिया चल रही और ये प्रक्रिया तो अब आचार संहिता लगने वाली थोड़े बहुत दिन बाद फिर सरकार चेंज हो जाएगी, फिर हमें पट्टे मिले या नहीं मिले इस संबंध में हमने वापस धरना प्रदर्शन किया और अभी तक कोई शासन का कोई आदमी हमारे पास नहीं आया। यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ लगभग 650 परिवार ऐसे हैं जिनके पास पट्टे नहीं है, 35 से 40 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरालाल डाबी। ये क्या नाम है आपका? अनीता नीनामा। आपने यहाँ पे धरना दिया, किस वजह से धरना दिया? जी हमको पट्टे नहीं दिया जा रहे यहाँ और हम 50-60 साल हो गए यहाँ पे रहते और हम हर बार यही करते हैं, धरना देते हैं तो हमको पट्टा मिलेगा आपको 15 दिन में हम दिला देंगे, फिर बोलते हैं 15 दिन में दिला देंगे तो नहीं देते हमको पट्टे और हम बहुत समस्या में हैं यहाँ पे। किसने आश्वासन दिया था? कलेक्टर ने बोला था हमको। हाँ फिर क्या हुआ? तो अभी तक पट्टे नहीं दिए हमको, बोले कि अभी देंगे यही बोल रहे हो हमको। हाँ वो ये हटा देते, धरना देते वापस हटा देते, ये केवल को आपको दिया जाएगा। क्या फैसला किया इस बार अगर पट्टा नहीं मिला तो हम शिवराज सिंह मामा जी को हम वोटिंग नहीं देंगे। हाँ। कितने वोटर हैं आपके गांव? यहाँ 4,500 वोटिंग है यहाँ पे। जी हाँ। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।